हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं टेक वाणी और ये है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 प्लस। अब इस फोन के अंदर क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या कमियां हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। और ये फोन जो है वो 7,999 रुपये का इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है और मैं समझ सकता हूँ कि जो 8,000 रुपये की रेंज है, मतलब कि 7-8,000 रुपये की जो रेंज है, उसमें जो लोग स्मार्टफोन खरीदते हैं उनकी उम्मीदें क्या क्या होती हैं और उसके हिसाब से ही ये रिव्यू मैं बना रहा हूँ, उसके हिसाब से इसको जज करेंगे। बिना वक्त गवाए जो है वो अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसकी सील को जो हम ब्रेक कर लेते हैं, फ़ोन की रैपिंग को हटा लेते हैं, स्टिकर को भी हटा लेते हैं। फर्स्ट लुक के अंदर तो काफ़ी शाइनी फ़ोन हमको नज़र आ रहा है। खैर, डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे। 10 वॉट का चार्जर आपको साथ में मिलता है और साथ में मिलती है ये माइक्रो यूएसबी केबल। अब आज की तारीख में सभी लोग जो है वो टाइप सी केबल को इस्तेमाल करते हैं, टाइप सी चार्जर ही मुझे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स और ये यूज़र मैनुअल और ये इन्फिनिक्स की तरफ से हमेशा की तरह एक्स क्लब मेंबरशिप के लिए इनविटेशन डॉलर की शेप में। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक हार्ड केस जो है देखने को मिलता है। और मुझे पर्सनली ना ये हार्ड केस जो है ज़्यादा पसंद आते हैं वो पतले पतले टीपीयू केस के मुकाबले। एक तो येलो जो है वो बहुत कम पड़ते हैं टीपीयू केस के अंदर, मुझे मतलब वो बहुत जल्दी येलो पड़ जाते हैं और उसकी वजह से मुझे वो इतने खास पसंद नहीं आते। इसको मैं एक बारी फ़ोन के ऊपर लगा के देख लेता हूँ, ग्रिप तो ठीक बन के आ रही है। और इन सारी चीज़ों को हटा के अपना पूरा फोकस कर लेते हैं स्मार्टफोन के ऊपर। अब गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो लोग 7-8 हज़ार रुपये का स्मार्टफोन लेते हैं कोशिश करते हैं कि फ़ोन जो है वो लंबे टाइम तक चले। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में बात रहती है कि अगर फ़ोन सस्ता है तो शायद उसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो कमज़ोर होने वाली है। तो बिल्ड के मामले में तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मिरर बैक डिज़ाइन जो है देखने मिलता है। और अगर सच बताऊँ तो पर्सनली मुझे ये जो शाइन करने वाला ज़्यादा जो फ़ोन होता है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। खैर, ये अपनी अपनी चॉइस है, किसी को हो सकता है ये बहुत पसंद आए, हो सकता है किसी को ना पसंद आए, लेकिन एक बात श्योर है कि इसके ऊपर बहुत जल्दी जो है वो उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। तो ऐसे में मैं आपको एडवाइस करूँगा कि यहाँ पर आप बैक कवर जो है वो ज़रूर लगा के रखिएगा। 3 कलर्स के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ब्लू, ब्लैक और वायलेट। और ये फ़ोन आता है पांडा के M1228 ग्लास प्रोटेक्शन के साथ। और पर्सनली ये मेरा मानना है कि हम इसको बोल के नहीं, इसको गिरा के टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसको 1 या 2 बार ऊपर से गिरा के टेस्ट कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से इतनी हाइट जो है वो ठीक रहने वाली है। सो देखते हैं कि ठीक चल रहा है नहीं। तो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। थोड़ा सा हाइट को हम बढ़ा के देख लेते हैं। गाइज, ये बिल्कुल फ्लैट गिरा है और नो प्रॉब्लम, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक चल रहा है। और बैक में आपको जो है वो फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी स्पीड काफ़ी फास्ट है। और साथ में आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि तकरीबन 1 सेकंड के आसपास ले लेता है अनलॉक करने में। फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है, फेस अनलॉक अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकंड लेता है अनलॉक करने में। और इस प्राइस रेंज में मैंने देखा है कि बहुत सारे फ़ोन, मतलब रियलमी रेडमी की अगर बात करूँ तो वो ज़्यादातर स्मार्टफोन ऐसे हैं जो अंडर 8,000 रुपीज़ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देते हैं। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी के अंदर एक एनहांसमेंट देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं अब डिस्प्ले की, और यहाँ पर आपको एक काफ़ी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.82 इंचेस का। मतलब कि देखो, कुछ साल पहले तक 7 इंच के टैबलेट हमें देखने को मिलते थे, अब लगभग 7 इंच की स्क्रीन आपको फ़ोन के अंदर देखने को मिल रही है। काफ़ी बड़ा ये डिस्प्ले है, तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या फिर ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह करते हैं या फिर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हैं, वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर काफ़ी एज मिलने वाला है। ड्यू ड्रॉप नॉच आपको ऊपर देखने को मिलता है। और ब्राइटनेस की बात करूं तो 440 निट्स की ब्राइटनेस आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो की अगर बात करें तो 90.6% आपको बॉडी टू स्क्रीन रेशो देखने को मिलता है। दोनों साइड काफ़ी थिन बेजल्स हैं, जिन पर आपको थोड़ा सा बड़ा बेजल जो देखने को मिलता है। इस फ़ोन को हमने इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पर इस्तेमाल करा है और ऐसा कोई विजिबिलिटी का इशू हमें देखने को नहीं मिला। मतलब कि जिस प्राइस रेंज के हिसाब से, 8,000 रुपये के हिसाब से अगर मैं डिस्प्ले को देखता हूँ तो आप डिस्प्ले को काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि इस फ़ोन के बारे में मैं आपको सारी अच्छी बातें ही बताने वाला हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसके अंदर जो कमियाँ होंगी वो भी डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बैटरी जो है यहाँ पर आपको मैसिव 5,000 mAh की देखने को मिलेगी, लेकिन जो चार्जर है वो आपको 10 वॉट का देखने को मिलता है। तो ऐसे में इसको चार्ज करने में लगभग 2 घंटे के आसपास आपका लगना चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि बड़े आराम से 1.5 से 2 दिन आपका निकाल देगी। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यूज़ करते हैं तो आपका 1 दिन जो है वो बड़े आराम से निकल जाएगा।
सिम स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है। दो सिम लगाने के बाद भी आप अलग से डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपका 64 GB आपको लगता है कि भरने वाला है तो आप अलग से डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। एक बात मुझे और अच्छी लगी कि यहाँ पर आपको रबराइज्ड कोटिंग देखने को मिलते हैं सिम स्लॉट के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से अदर ब्रांड्स को भी करना चाहिए बजट फ़ोन के अंदर, क्योंकि यार हल्की फुल्की अब जैसे बारिश का मौसम है हमारे यहाँ पे, तो बारिश जो है वो काफ़ी हो रही है, तो ऐसे में हल्का फुल्का अगर फ़ोन भीग जाता है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर बचाव हो सकता है। और अब बात ये मुद्दे की बात कि आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी देखने को मिलेगी, कैमरा की बात करें या फ़ोन की बात करें, मल्टीमीडिया के अंदर आपका साउंड का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको कैसा रहेगा, और क्या ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी बनता है, मतलब क्या अगर आपका बजट 8,000 रुपये का है तो आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और इसको आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बिंदास पूछ सकते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पर आपको हीलियो G25 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 3 GB की LPDDR4X की रैम है और 64 GB की आपको eMMC की स्टोरेज देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप 3 GB की वर्चुअल रैम जो है उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब 6 GB तक आप रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो जो टोटल कंपनी का जो दावा है 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज आपको 8,000 रुपये में देखने को मिलती है। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ओपिनियन अलग है, मैंने जितना भी देखा जो वर्चुअल रैम होती है उससे थोड़ी बहुत तो परफॉर्मेंस के अंदर फ़र्क पड़ता है, लेकिन यार इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि जैसे 3 GB की आप रैम ले रहे हैं, 3 GB की अगर आप वर्चुअल रैम को बढ़ा लोगे तो आपको जेन्युइनली 6 GB का आपको जो है परफॉर्मेंस मिलने वाला है। थोड़ा बहुत मतलब कि 19 की जगह आपको 21 मतलब ऐसा मान के चल सकते हो, लेकिन 19 का डबल नहीं आपको मिलेगा। तो 3 GB की रैम है उसको आप बढ़ा के 6 GB तक कर तो सकते हो, लेकिन परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो ऐसे गिमिक में आप मत पड़िएगा, ये जो ब्रांड्स होते हैं आजकल बहुत गेमिंग खेल रहे हैं, जैसे कैमरा के अंदर तो आप सभी लोगों को मालूम है, वैसे अब वर्चुअल रैम का एक नया फैशन चला है। मुझे ऐसा कोई खास परफॉर्मेंस के अंदर फ़र्क नहीं लगा ऑनेस्टली बताऊं तो। बाकी 7,999 रुपये के हिसाब से देखूं तो 3 GB रैम और 64 GB स्टोरेज कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। और देखो अगर मैं डे टू डे यूज़ की बात करूं तो यहां पर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, नॉर्मल टास्क आप सारे यहां पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस पर गेमिंग करने वाले हैं, BGMI वगैरह प्ले करने वाले हैं, तो इस जस्ट प्लेबल मतलब आप सिर्फ खेल सकते हैं इसके ऊपर। आप कोई अगर गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा आपको थोड़ा सा अपना बजट जो है वो इनक्रीज़ कर लेना चाहिए, चल जाएगी इसमें। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसा वीडियो बना रहे हो कि मैंने इस पे पबजी खेला और आराम से मैं पबजी खेल पा रहा था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेम ड्रॉप्स भी होंगे, लैग भी होगा, और हाई सेटिंग्स वगैरह में तो आप भूल जाओ, लो सेटिंग्स के अंदर ही आपको प्ले करनी पड़ेगी। बाकी डे टू डे के टास्क आप इजीली कर सकते हैं, वहाँ पर तो एटलीस्ट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कैमरा मॉड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो रियर में आपको 8 MP का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, साथ ही आपको ड्यूल LED भी देखने को मिलती है, जिसमें से मेन कैमरा आपको 8 MP का देखने को मिलेगा। इसकी कुछ पिक्चर सैंपल्स इस वक्त मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इसका डिटेल रिव्यू अगर चाहिए तो वो भी, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। मोड्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको HDR, ब्यूटी, पोर्ट्रेट मोड, काफ़ी सारे मोड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग और टाइम लैप्स भी ले सकते हैं। सेल्फी की अगर मैं बात करूं तो 5 MP की सेल्फी है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी आपको LED फ्लैश का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली काम आता है, चाहे आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि फ्रंट से भी आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप टाइम लैप्स ले पाएंगे। और अब बात कर लेते हैं स्पीकर्स की क्वालिटी के बारे में, और उसके बाद मैं आपको फ़ोन के बारे में अपना ओपिनियन बताऊंगा। अब सिंगल स्पीकर है और कंपनी ने बोला है DTS सराउंड साउंड, मुझे ऐसा कोई सराउंड साउंड तो नहीं लगा, बल्कि मेरे को स्पीकर जो है वो ऐसे कोई खास नहीं लगे, मतलब आप ठीक ठाक आवाज़ इसको बोल सकते हो यार, मतलब ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मुझे तो आवाज़ नहीं लगी। नॉर्मल स्पीकर्स की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। फ़ोन में आपको मिलता है XOS 10 और साथ में Android 12 का गो एडिशन देखने को मिलेगा। लाइट OS है, आपको डे टू डे यूज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसी आने वाली नहीं है, हाँ लेकिन XOS 10 जो है उसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स और ब्लॉटवेयर्स भी देखने को मिलेंगे, और मुझे पर्सनली ब्लॉटवेयर्स जो है वो इतने ज़्यादा नहीं पसंद है, तो ये मेरे एक नेगेटिव मार्किंग में जाता है।
ओवरऑल अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो 8000 रुपए के इस फोन के अंदर जो चीजें मुझे अच्छी लगी वो है इसका डिस्प्ले, इसकी बिल्ड क्वालिटी, फिंगरप्रिंट स्कैनर का होना, 5000mAh की बड़ी बैटरी और एक ठीक ठाक रियर कैमरे का होना। और वो चीज़ें जहां पर इम्प्रूवमेंट हो सकती है, मेरे ख्याल से अब टाइप सी का टाइम जो है वो आ चुका है। चाहे वो बजट फ़ोन ही क्यों ना हो, यहां पर भी ब्रांड को टाइप सी केबल देनी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। और यहां पर अगर EMMC स्टोरेज की जगह UFS स्टोरेज होती तो डेफिनेटली थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। बाकी 7999 रुपये के अंदर मार्केट में अगर आप कंपेयर करते हैं रियलमी के फ़ोन या रेडमी के फ़ोन से, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल रही है। और इसका डिटेल रिव्यू मैं बहुत जल्दी चैनल पे लेके आऊँगा, तो उसके लिए अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।